बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाई हूँ आपके साथ में। सऊदी अरबिया इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मतलब ही आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको भाई मुबारक हो, जो मेरे भाई इकामा रखते हैं, इकामा होल्डर हैं, यानी उनके लिए फ्लाइट्स बहाल हो चुकी हैं। यानी कि ये मैं नहीं कह रखा हूँ भाई, ये सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी न्यूज वायरल है। अच्छा, मैं आपको पहले इस वीडियो में अभी आपको ये न्यूज भी दिखाता हूँ, जो कि कुछ बंदों ने मुझे इसका स्क्रीनशॉट भेजा था कि भाई ये सच है कि ये झूठ है। आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ ये बात, इसमें कितनी सदाकत है या कितना इसमें झूठ है। तो भाई सबसे पहले तो अगर सच्चाई की बात करें तो आपको पता ही, आप वाई के थ्रू आ सकते हैं और डायरेक्ट दोनों वैक्सीन वाले आ रखे हैं, और वाई के थ्रू अभी आपको ये सहूलत दे देगी। अगर आपने वो वैक्सीन भी नहीं लगवाई हुई है जो सऊदी की अप्रूव है, चाहे लगवाई ही नहीं हुई है, तो फिर भी आप वाई के थ्रू सऊदी अरब में इंटर हो सकते हैं, लेकिन आपको 5 दिन का यहाँ पर कंटाइन करना होगा। ठीक है जी, हर बड़े शहर में बड़े पैमाने पर कंटाइन सेंटर वगैरह भी कायम किए जा रखे हैं, और जल्द इंटरनेशनल फ्लैट्स इंशाल्लाह ताला बहाल होंगी। बकौल बिलाल अकबर साहब के भी, जैसा कि नवंबर में कह दिया गया था उनकी तरफ से, लेकिन इसके मतलब कोई डेट वगैरह का कोई बंदा आपको दे या अभी से बोल दे तो वो फिर आपके साथ झूठ बोल रहा है। वो कैसे, यहां पर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख रखे हैं जी। मैं इस न्यूज के मतलब, इस चीज के मतलब आप भाइयों को अपडेट करता हूं मैं। बड़ी खुशखबरी, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ मुबारक हो, नीचे लिखा हुआ देख रही, सऊदी अरब ने रहायशी परमानेंट इकामा रखने वाले पाकिस्तानी शहरियों को दाखिले का मशहूर इजाजत दे दी। सब पाकिस्तानी अब वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, यानी कि वो मेरे भाई छुट्टी के ऊपर गए हुए थे, यहां से उनके लिए सऊदी अरब ने उनको इजाजत दे दी है, वो अब सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। भाई सऊदी अरब ने कब मना किया हुआ, लेकिन वाई के थ्रू, यानी कि 14 दिन से ज्यादा का स्टे उस कंट्री में गुजारे जिसकी फ्लैट ओपन है सऊदी अरबिया में, आप डायरेक्ट सफर नहीं कर सकते। ठीक है जी, इस खबर से यही हो सकता है, डायरेक्ट फ्लैट तो भाई बहाल नहीं है, ये तो कन्फर्म बात है, अभी तक आपको भी पता है।